वातावरण माहौल ठीक ठाक नहीं रहा दिवाली तक, फिर थोड़ा थोड़ा सब खुलने लगा, तो अचानक हम लोगों ने फिर दिसंबर में अभी कुछ ही दिन पहले संकल्प किया तो कि चलो बाबा साहब भाई का निमंत्रण है और नए साल का माहौल भी है तो थोड़ा हम जाके भी आते हैं, तो उसके गांव भी जाएंगे अरवडे, और हमारे तासगांव में फिर डॉक्टर वैशाली दीदी ने हमें खास फोन करके निमंत्रण दिया, दीदी आप आओ जरूर आओ, तो हमें और अच्छा लगा कि चलो एक ने तो दिया था, अभी दीदी खुद हमें फोन करके बुला रही है, निमंत्रण दे रही है। फिर याद आया कि डॉक्टर वैशाली बहन को दिखा हुआ है और आने के बाद तो अपनापन लगा, पूरा घर हमारे हवाले किया हुआ है, लो भाई चाबी भी तेरे हाथ में, सब तेरे हाथ में, तो ऐसा कोई जल्दी करता है? माना हम यहाँ मेहमान नहीं है, हम यहाँ कैसे रहते हैं, हम गेस्ट नहीं है, हम होस्ट हैं, परिवार की तरह रहते हैं, साथी की तरह, आपस में एक दूसरे के साथी की तरह रहते हैं, इसलिए बिल्कुल वो एक दिन भी भासना नहीं आई कि हम यहाँ मेहमान हैं। नहीं तो मेहमान क्या है, थोड़ा ऐसा अकड़ अकड़ के जीता है, यहाँ रिलैक्स हो गए हम। तो तासगांव और अरवडे आए, रामानुसार बाबा साहब भाई को भी थैंक यू जो निमित्त बने हमें यहाँ लाने के लिए, और प्रमोद भाई का भी थैंक यू क्योंकि वो बीच में कड़ी बनता है, प्रमोद उसका बाबा साहब भाई और मेरे बीच में वो कड़ी बनता है कि दीदी चलो चलो चलो, तो फिर सबको जमा करना, फिर टिकट निकालना, सब प्रोग्राम बनाना, फिर दोनों ने मिलकर के चार दिन का शेड्यूल बनावे, प्रोग्राम बनावे, गाड़ियां बुक करे, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे, सेंटर में दीदी ने भी हमें यहाँ रहने की सुविधा दी, खाना पीना सब कुछ दिया, तो ये सबके लिए सबका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ बाबा साहब भाई शुक्रिया, हमारी डॉक्टर वैशाली दीदी का भी खूब 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्रमोद भाई का भी शुक्रिया शुक्रिया, आपका और भी कौन बैठे हैं सिंधे भाई और हरीश भाई ने कंपनी दिया, और हमारी हेमाक्षी बहन और गीता बहन अरुणा सभी साथी बने, तो ये यात्रा हमारी कैसी हो गई, सफल सफल, ये हमारा सफर सफल हुआ। दीदी भी कहां गए नहीं है लॉकडाउन में, पूरे मैं 2 साल गई, हवा पानी चेंज होता है, मुझे 2.5 महीने से खुजली का प्रॉब्लम था और यहाँ आने के बाद एक दिन भी खुजली नहीं आई, खदी घूमती रहती हूँ सुबह से रात तक, चल पे धूल मट्टी में घूम रही हूँ, फिर मुझे खुजली नहीं आ रही, और बॉम्बे में घर के अंदर रहकर भी 3 टाइम स्नान करके भी वो खुजली जा नहीं रही थी, तो मैंने अभी 3 दिन से देखा चातकी में खुजली की तरह गई, तो पानी का शायद हवा पानी बदल गया ना, वो बहुत एक समय सिर की जगह बैठे बैठे शायद हो गया होगा, तो ये हवा चेंज हो गई, पानी चेंज हो गया, लोग आंखों को नई नई चीजें देखने को मिली, ये चेंज मिला, बाकी मेरी तबीयत जब थी आने जैसी नहीं थी, मुझे पाँव में मोच आई हुई थी, अंगूठा में सेप्टिक हुआ था, चल नहीं सकती थी, फिर भी हिम्मत करके आई, तो आने के बाद तो कैसे बीटी से इतना चल चल के ट्रेन में बैठी हूँ, मैं 8 साल के बाद ट्रेन में आई हूँ, सोचो मैं पिछले 8 साल से ट्रेन में सफ़र नहीं करती हूँ, तो क्योंकि वहाँ से फ्लाइट जाती है और यहाँ भी सोचा था पर ऐसा जमा नहीं, और सीधी ट्रेन थी, तो मैं 8 साल के बाद एक तो मुझे ट्रेन में आना है, वो भी 3 टायर AC में आना है, ऐसी हालत में आना है, पर कहीं भी गीता मेरे को पूछो कोई भी टच वुड, हाँ हमें कोई अड़चन नहीं आई, घर से निकले सीधी इनोवा आ गई, छोड़ दिया, जैसे आए तो थोड़ा चलना पड़ा, पर हिम्मत हिम्मत तो है ना, बाबा ने बहनों को हिम्मत तो दी है, ऐसे अकेले रहते हैं तो हिम्मत तो रहेगी रहेगी ना, हम अकेला सेंटर संभालती हूँ, इतना मेरा सब सेंटर है, 5-6 क्लासेस है, और दीदी की तरह 1-man show है, ऑलराउंडर सब करना है, तो इसे बाबा शक्ति दे देता है, तो मैंने देखा जैसे तैयार हो गए बैग लेके निकले बाहर जाने के बाद सब भूल गए, पाँव का दर्द भी भूल गए और कैसे यहाँ पहुँच भी गए, पहले दिन पंढरपुर की यात्रा भी की, तो पंढरपुर की यात्रा भी सफल रही, फिर दूसरे दिन हमने
सांगरेश्वर जो महादेव है बहुत सुंदर, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम और वहाँ बहुत प्यारा सीन है, चारों ओर पहाड़ और वहाँ खाना खाया और शिव मंदिर देखा, वो भी बहुत प्यारा था वहाँ का वातावरण। और वहाँ से हम एक खुदरापुर गए, खिदरापुर जो 1400 वर्ष पुराना प्राचीन शिव बाबा का मंदिर है ना, उपेश्वर महादेव, और इतने सुंदर उसके पिल्लर हाथी, वो भी बहुत हमको एक हार्ट टचिंग था। फिर वहाँ से हम नरसिंहवाड़ी गए, नरसिंहवाड़ी में हमने क्या देखा था, दत्तात्रेय का मंदिर, वो भी बहुत सुंदर था, प्यारा एकदम संगम, वो कृष्णा नदी और पंचभागा नदी का संगम। थोड़ा अंधेरा हो गया तो नदी नहीं दिखाई दी, वो एक हमारे से मिस हो गया, जो पूरा नदी का व्यू है, जो सुंदर एक उजाले में जो व्यू दिखाई देवे, पर ठीक है। फिर भी मंदिर बहुत प्यारा सजाया था, शायद नए साल के कारण, और अभी दत्त जयंती भी शायद गई ना, तो मंदिर खूब चारों कहते ना उसे सजाया था, क्या रंगोली की हुई थी वहाँ, तो वो सब देखने का बड़ा आनंद आया, आरती। फिर वो दत्त मंदिर देखने के बाद हम लोग निकले ना, फिर उस दिन वो प्रोग्राम रहा, और कल भी बहुत अच्छा रहा। कल सुबह यहाँ से हम गए कनेरी मठ, वो सुंदर, सबसे अच्छी चीज आजकल देखी वो कल हमने कनेरी मठ। सारा दिन भी अगर रहते ना तो भी कम पड़ता था, फिर भी काफी अच्छे से हमको प्रमोद भाई ने सारा, कैसे वो साधु संतों की भारतीय संस्कृति की गरिमा है ना, सारे एक एक संतों ने, फिर योगा, आयुर्वेद, भारत का आयुर्वेद क्या है, भारत का योगा क्या है, प्राचीन संस्कृति क्या है, साधु संत क्या है, सारा हमने देखा, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद पूरा भारतीय जनजीवन, ग्राम्य जीवन, पहले लोग कैसे सुथार लुहार, तो आप लोगों ने देखा ही होगा ऐसे पूरा, कैसे लोग खेलते थे, कैसे लोग करते थे, कैसे दुकानें होती थी, ब्यूटीफुल, बनाने वाले ने इतना अच्छा बनाया है, और सबके चेहरे देखो ना, काम साधारण कर रहे हैं वो, उसरी देखो तो चरखा चला रही है, घट चक्की पीस रही है, बच्चे उधर देखो तो खेल रहे है, कोई झांक रहा है, सबके चेहरे पर क्या है, अरे एक एक के चेहरे देखते बनो, बर्तन घस रही है, कोई वो पट्टी रही है, कोई लोहार सुखार चमार, कैसे कैसे लोग काम कैसा कर रहे हैं, घर देखो कुछ नहीं, पर आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फिर वो खेल पाल मदारी खेल कर रहा है, सांप आ रहा है, यही था ना हमारे जमाने में, क्या था वो मदारी आके सांप खेल करते थे, फिर वो नट लड़की रस्सी पर चल रही है, कितनी नेचुरल लाइफ थी वो, तो ऐसा लग रहा था, मैंने बोला देखो अभी हमारे बॉम्बे में सबसे बेस्ट एरिया में हम रहते हैं, बॉम्बे का हार्ट ऑफ द बॉम्बे कहो, हार्ट ऑफ द सिटी कहो, और इंडिया का हार्ट ऑफ द सिटी कहो, कॉरपोरेट जो है पूरा टोटल, जो भारत का इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो हमारे एरिया में है, मंत्रालय से लेकर विधान भवन, अदानी अंबानी टाटा बिरला, जितनी भी कॉरपोरेट ऑफिसेस, बैंकिस, चाहे वो स्टेट बैंक हो, रिजर्व बैंक हो, हमारा एरिया ऐसा, आप एक बार आएंगे ना तो आपको लगेगा सारा भारत का खान सब वही है, सागर है वो। फिर भी मैंने कभी किसी चेहरे पर ऐसे कुछ नहीं देखे, हम बड़े बड़े वीआईपी से मिले हो, चीफ मिनिस्टर से लेकर, गवर्नर से लेकर, चीफ जस्टिस से लेकर, कोई मिनिस्टर मैंने नहीं छोड़ा होगा, कोई कमिश्नर, मेयर, अभी 2 साल हो गए होगी, शायद कहीं कम गई होगी, पर हम हमारे एरिया का कोई पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, फायर स्टेशन, हमने कोई सेवा बाकी नहीं रखी है, 35 वर्ष से हम वहाँ है। पर बड़े थे बड़े, मैंने अभिनेता हो, नेता और अभिनेता और बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है, उनके क्या घर, क्या उनका सुख सुविधा, पर जब उनको मिलते हैं ना तो उनका जो चेहरा है ना, वो जो चेहरे पर उनका बनावटी श्रृंगार है, इतना मेकअप वेकअप करके उनको आना पड़ता है हमारे सामने, तो वो लोग खुद ही बोलते हैं, जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ ना
हम तो बहुत सिंपल जाते हैं, कुछ नहीं करते, और वो लोग इतने मेकअप में आते हैं, आते ही पहली नजर से वही बोलते हैं, आपके चेहरे पर इतना ग्लैमर कैसे है, आप क्या लगाते हो, हमको सीधा पूछते हैं आप क्या लगाते हो, इतना माना वो लोग रह नहीं सकते हैं कि आपके चेहरे पर इतना ग्रेस कैसे है, आप क्या लगाते हो, कौन सा क्रीम लगाते हो, तो सोचो वो लोग इतना ब्यूटी पार्लर और क्या क्या करके भी, स्पा करके भी, व्यायाम करके भी, मैं कल वही बोल रही थी, मैं तो बॉम्बे में एसी एसी में टॉप ऑफिस में बैठने वाले के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो यहाँ गांव के लोगों पे कुछ खुशी है। तो क्यों है खुशी, अपनी जो आत्मबल विल पावर, हाँ बॉम्बे बॉम्बे है, अपनी जगह वो बहुत मेहनती है, सुबह से रात तक वो लोग 16-16 घंटा काम करते हैं, सोते कम है, काम ज़्यादा करते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह उनकी लाइफ भी ऐसी है, उनको आदत पड़ी है बस भागते रहना भागते रहना, बॉम्बे आप आए देखा ना, भागते रहते लोग भागते रहते लोग, किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, तो भागते रहते हैं, और ऐसे जीवन में तनाव डिप्रेशन, आजकल बहुत वहाँ डिप्रेशन, कोरोना में तो धंधा दौरी सब ऊपर नीचे हो गया, तो डिप्रेशन स्ट्रेस ये सारी बीमारियां है, पर बाबा अपना कार्य करा रहा है। तो बस ऐसे ही सोचते सोचते हम वैशाली बहन के पास पहुंच गए, और आज तो 31 दिसंबर लास्ट डे, वैसे लास्ट डे मैं अपने घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम करती हूँ, कोरोना की वजह से हमारे सेंटर का बर्थडे हमने मना लिया, तो 25th को ही हमने कुलाबा सेंटर के 71 वर्ष 1951 में बाबा फर्स्ट टाइम वाटरलू मेंशन में आए, यज्ञ का पहला सेंटर खुला, और वहाँ सारी दादियाँ रही, बड़ी दादी निर्मल शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, फिर रतन मोहिनी दादी, पुष्प शांता दादी, आतम मोहिनी दादी, कितने नाम लो, और वहीं से ही निर्वैर भाई निकले नेवी से कोलाबा में, रमेश भाई उषा बहन जी निकले, हमारी पूना की सुंदरी बहन भी वहीं से निकली, संतोष दीदी, नलिनी दीदी, गोदावरी दीदी, दिव्या बहन, योगिनी दीदी की तीनों बहनें, मीरा बहन, सरला दीदी, नीमू बहन, भारती दीदी, शीलू दीदी, और भी कितने नाम गिनाऊं, सारे महारथी जो भी है ना, डॉक्टर निर्मला बहन, वेदांती बहन, चंद्रिका बहन, और भी आप जितनी भी बहनें गुजरात में काफ़ी देख रहे हो, सब कोलाबा सेंटर में वाटरलू मेंशन से, कोई अंजलि गीतांजलि से, रतन मोहिनी दादी, ये सबका तो घर अभी भी वहाँ है, शील दादी का घर है, रतन हमारे यहाँ ये सेंटर है, ये पुष्प शांता दादी ने घर लिया, सेंटर खोला, वहाँ शील दादी का घर क्वीन मदर, और वहाँ रतन मोहन दादी का घर, ऐसे ट्रायंगल में घर है, तो बाबा के जितने भी रिलेटिव है ना वो सब कोलाबा में रहते हैं, बड़ी बात तो ब्रह्मा बाबा का सारा परिवार भी वहाँ ही रहता है, तो ऐसे थोड़ा दूर जाओ तो पुट्टू दादी का घर, बाबा की बड़ी बेटी का घर है, ऐसे उससे आगे जाओ अंबाड़ी का घर आता है, वहाँ छोटी बेटी का घर है, मरिंद्राई आओ तो बेटे का घर है, तो बाबा का सारा परिवार भी वहीं, बड़ी दादी का भी सारी बहनें वहीं, चंद्रमणि दादी की पांचों बहनें वहीं, शांतामणि दादी, मम्मा की मामी मासी और उनकी बहुएं वो भी सब वहीं, तो बाबा का मम्मा का दादी का रतन मोहन दादी, शील दादी, संतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, और भी कितनी दादियाँ जिनके रिलेटिव हमारे कोलाबा के एरिया में रहने के कारण कोलाबा सेक्टर पर 18 जनवरी को ये लोगों का हम अलग ब्रह्मा भोजन करते थे, जो सिंधी लोगों का दोपहर में सारी क्रीम सिंधी आते हैं, अभी तो सब बाबा के पास पहुँच गए, थोड़े ही बचे हैं, अब तो दादा सब चले गए, पर मतलब कहने का मेरा भाव है कि कोलाबा सेंटर यज्ञ का पहला सेंटर रहा, और सारी सेवाएं भी वहाँ, जैसे प्रदर्शनी है ना, तो विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी बाबा ने कोलाबा सेंटर में ही बैठ के रमेश भाई, उषा बहन, निर्वैर भाई, जगदीश भाई, और हमारे वहाँ के अर्जुन भाई जो बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर, बाबा ने बोला पहले तुम लोग चित्र बनाओ फिर मुझे दिखाओ,
तो वो पुष्प शांता दादी बहुत अच्छे ट्रांस मैसेंजर थे, तो वो सारे चित्र इन लोगों ने ड्राइंग करके बाबा को तो लेके गई भोग में। और आपको पता नहीं है कि पहली प्रदर्शनी बाबा ने स्वयं करेक्ट कर बनाई है, पहली प्रदर्शनी विश्वनाम निर्माण। तो उस समय कल्प वृक्ष को इन लोगों ने थोड़ा ठीक नहीं बनाया था, तो पुष्प शांता दादी ने आके सारा करेक्शन करवाया संदेश की संदेशी के रूप में। माना वो वतन में है और कह रही है वहां भाइयों को, जगदीश भाई को और उनको, कि ये जो है ना ये जड़ में ऐसे बिठाओ, यहाँ जड़ दिखाओ, यहाँ संगमयुगी ब्राह्मण दिखाओ, यहाँ ये दिखाओ, सतयुग दिखाओ। ये पूरा जो कल्प वृक्ष सीढ़ी चक्र त्रिमूर्ति बनाया ना, तो उसमें शिव बाबा नहीं बनाया था। तो दादी ने बोला इसमें शिव बाबा बनाओ। माने बाबा उनमें है, ट्रांस में सारे करेक्शन हो रहे हैं, और सारे मेन चित्र जो है ना हमारे पथ प्रदर्शन के, ये बाबा ने स्वयं ट्रांस में बनाया है। तुमने वो भी कहा बने हमारे कुलपति धरती पर बने हैं। फिर मेला, पहला मेला विश्व नव निर्माण मेला, वो भी कुलाबा सेंटर पर बना। और फिर गीत यज्ञ का पहला गीत वसुधा के ईशांचल में, वो कुलाबा में मोहन भाई मेले वाले ने लिखा, ललित सोडा ने कंपोज किया, और कुलाबा में सामने सीजे हॉल में वो रिलीज हुआ। वो यज्ञ का पहला गीत था। तो यज्ञ का पहला प्रदर्शनी, पहला मेला, पहला गीत, पहली विदेश सेवा 71 में, वेदांती बहन कुलाबा में रहती थी, वहां मेला लगा पहला। वहां से एक आत्मा निकली राम काका, वो राम काका गुजराती थे जो अफ्रीका में रहते थे लुसाखा में, तो वहाँ वो उनको ऐसा मेला लगाना था, पैसे वाले थे वो, बिजनेसमैन थे। तो आए सेंटर पर और दादी से मिले और बोला मुझे ऐसा वहाँ लगाना है, और बस वहीं 7 दिन के। उस समय तो ना बाबा तुरंत बच्चा बना देता था, तो दादी को बोलता है मुझे गुजराती टीचर दो, मैं मेला लगाऊंगा। तो वेदांती बहन वहाँ बाबा ने भेजा, तो कोलाबा से ही अफ्रीका का सेंटर खुला, हांगकांग का सेंटर खुला, मियामी का हरदेवी बहन वगैरह हांगकांग, मियामी का सेंटर खुला, लंदन में गए, अमेरिका गए। तो सारे जो पुराने सेंटर पहले पहले जो लोग गए, तो विदेश की सेवा भी आरंभ हुई। ऐसी तो बहुत हिस्ट्री है कुलाबा की, अभी बताने बैठोगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो बस, और मेरा खुद का परिचय है, शरीर का नाम गायत्री बहन है, मैं बचपन से 6 साल की उम्र से ज्ञान में हूँ, मेरा पूरा परिवार इसी में ज्ञान में है। मेरे पिताजी सबसे पहले आए, वो दत्त के भक्त थे, दत्ताचार्य जो आप है ना, वो इष्ट देव थे हमारे। यहाँ तक मेरे पापा नौधा भक्त थे, रोज सुबह उठकर जल्दी उठकर दिया बत्ती और 52 दफा दत्त बावनी करना, उनके सारे नियम पालना, और रोज रात को दत्त मंदिर जाकर दंडवत प्रणाम करना। ये नौधा भक्त, जैसे सेंटर मिस नहीं करना वैसे वो भी मिस नहीं करते थे, तो एक पक्के नौधा भक्त थे। और हमारे पापा वो जमाने में हमारे जो परदादा का भी दादा, पाटन में हम लोग पटेल है, हम पाटन नॉर्थ गुजरात, अरे गुजरात का ओल्ड कैपिटल है और नॉर्थ गुजरात में वहाँ का बहुत बड़ा प्राचीन शहर है। अब 100 रुपये की नोट जो नहीं आई है ना, उसमें पीछे देखेंगे नीचे लिखा है रानी की वाव, वो पाटन की, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में बेस्ट रानी की वाव है, 7 मंजिला। तो वहाँ बहुत सुंदर राजाओं का, और मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, तो पाटन बहुत प्राचीन शहर है, तो वो राजधानी था। फिर अहमदाबाद, अहमद शाह आया तो उसने फिर अहमदाबाद बनाया, और पाटन में 12 दरवाजे 13वीं खिड़की, से पूरा किला होता है ना उसको 12 दरवाजे थे, 13वीं खिड़की, सेम अहमदाबाद में भी 12 दरवाजे बनाए, 1 खिड़की, इसीलिए पाटन में 1 दरवाजा 2 दरवाजा 3 दरवाजा ऐसा नाम है, ऐसे अहमदाबाद में भी 3 दरवाजा। तो ये पूरी कहानियां है। पर फिर पाटन में बाबा का ज्ञान कैसे हुआ, सबसे पहले हमारे पिताजी को ही पाटन में ज्ञान मिला, पहले स्टूडेंट है हम, पहला परिवार है
पाटन में, वहाँ कॉलेज में कोई आए थे निमंत्रण देने के लिए मेहसाना से, तो पापा को निमंत्रण मिला और फिर कोई प्रोग्राम में ले गए, तो फिर पाटन में पापा ने एक प्रोग्राम अरेंज करवाया और बस तब से उसको थोड़ी लगन लग गई। पर हमारे पापा नौदा भक्त थे, अब दत्तात्रेय इष्ट है, नौदा भक्त है, तो हमारे पापा को भाई ने पूछा कि अभी आपको माउंट आबू चलना है, तो बोला मैंने माउंट आबू पहले गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है, पापा इसके नज़दीक है हमारे यहाँ से। और पापा कहते हैं कि मैंने वो समय बाबा को भी शायद देखा है कि क्यों पहाड़ी जो है ना, पर इस समय समय नहीं आया था, तो इसीलिए वो कहते थे नहीं भी आपको आत्मदर्शन करना है, परमात्मा दर्शन करना है तो चलिए। तो हमारे पापा कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भक्ति में तल्लीन हूँ और मैं अपनी भक्ति से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं अपने जीवन से भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने मैंने जो चाहा उसे बहुत दिया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी की। हमारे दादा थे वो तो खेडूत थे, हमारे परदादाओं की तो 200 बीघा जमीन थी, इतनी खेती थी, हमारे खुद की 5 भैंस 5 गाय बड़द काड़ा ये सब कुछ होता है ना, मैंने खुद ने भी देखा है सब, तो वही सारा जीवन था और जमींदार थे। तो फिर हमारे दादा भी वही करते थे, हमारे पापा भी वही करते थे, पर फिर पापा को पढ़ने का शौक था, तो हमारे दादा ने पापा को पढ़ाया, तो हमारे पापा ने वो जमाने में MA MEd MPhil और उसके अलावा काशी विश्वविद्यालय है ना बनारस, काशी विश्वविद्यालय वहाँ पर जाकर हमारे पापा ने MEd वगैरह किया हुआ है, तो 4 धाम 7 धाम सब किए थे, और फिर उनको वहाँ प्रोफेसर की जॉब मिली, फिर प्रिंसिपल भी हुए, फिर इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, राइटर बने, वो परीक्षा के लेने वाले बने, निरीक्षक बने, बहुत कुछ बने। तो माना संतुष्ट होते हुए भी वो भाई भी बड़ा पक्का था, कई बार होता है ना तीर मारना है तो फिर बोलता है नहीं आप आगू चलो। तो पहली यज्ञ की शिविर हुई 1974 में, तो पापा उसमें मई मास में गए, 15 लोग उस शिविर में थे, उसमें 5 तो हमारे पापा लेके गए थे, उनके दोस्त जो प्रिंसिपल होते हैं, और छठी में थी उस समय। ये तो बहुत, ये कितने साल की हाँ मैं इसे भी छोटी थी, 6-6.5 साल की थी मैं, जब हमारे पिताजी हमको स्कूल में छुट्टियां थी ना, तो मैंने जिद की कि मुझे ले चलो, तो मैं उनके साथ गई थी। तो मैं भी वो भाग्यशाली आत्मा हूँ कि वो पहली शिविर में राजयोग भवन में यज्ञ की प्रथम शिविर में मैं ऐसे गोद में बैठ के शिविर सुनी होगी, मुझे अभी भी सब याद है। और उस समय पांडव भवन में मैं एक ही बच्चा थी, तो निर्वैर भाई अशोक गाबा सभी जो पुराने हैं ना सारे भाई लोग, सूरज भाई सभी मुझे ऐसे ना वो बच्चे को कैसे बिठाते हैं कंधे पर ऐसे घुमाते घुमाते, इतना प्यार मिला है मुझे, शिविर विविर कुछ याद नहीं है, पर क्या याद है बाबा की दादियों का वो बचपन में का प्यार स्नेह हमें यहाँ खींच के ले आया। तो ऐसे हमारे पापा को वहाँ दत्तात्रेय का साक्षात्कार हुआ बाबा के कमरे में, तो फिर दादी ने कहा देखो तुम जिस दत्तात्रेय को मानते हो वो यही है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको बाबा में से 3 दिखाई दिए, तो बस वो घड़ी निश्चय हो गया। और जो शांति समय शिव है ना, वो रात को बाबा को एक लाइट का पापा को साक्षात्कार हुआ, और मैं छोटी थी ना तो भी मुझे ब्रह्मा बाबा से प्यार हो गया था, आप मानेंगे नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जब गई तो मुझे ऐसे लगा ये मेरा कोई दादा है, तो मैं पापा को बोलती थी ये हाँ ये इनका फोटो ले लो, इनका फोटो अपने घर में ले लो। तो ऐसे मुझे याद है, उसके बाद मैं जहाँ 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 जाती थी उनकी जैसे अलग 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 फोटो मैं 8 साल में कलेक्ट करके, जब बच्चों का पहला प्रोग्राम हम लोगों से शुरू हुआ तो कलेक्शन ऑफ बाबाज फोटो मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, तब मुझे बाबा से लगाव हो गया था, ऐसा कशिश होता था, जहाँ नया को देख लेगी ना पगड़ी वाला कोई कैसा हिस्ट्री हॉल में, वो समय तो कुछ नहीं था, फिर भी मैं वो फोटो देख के वो किधर किधर से फोटो, रमेश भाई से हमारे रमेश भाई से बहुत दोस्ती थी बचपने में, उनसे मांग के ले आती थी, या उस समय जमाने में ज्ञानामृत आते थे ना, तो ऐसे काट काट के कोई अच्छा फोटो दिखेगा काट के उसको लगा देंगे।
ऐसे करके मतलब ब्रह्मा बाबा से मुझे बहुत प्यार हो गया, पता नहीं क्यों, अभी मुझे नहीं मालूम, पहले कैसे लग रहा था मेरा कोई है, वो तो अभी बाद में कोलाबा जाके पता चला कि ये क्या कड़ी थी। हाँ, वो ब्रह्मा बाबा का प्यार मुझे मधुवन ले आया, मधुवन 4 महीना रह के फिर मैं कोलाबा गाम देवी ही रही जहाँ बाबा का परिवार था। तो वो कड़ी अब मुझे समझ में आई कि उस समय मेरा इतना प्यार उनके परिवार को पालना देने के लिए निमित्त बनेगा, ये बाबा का क्या कहना था। तो बस ऐसे ही आ गए, और हम तो पढ़ने में बहुत होशियार थी, मैं तो इससे भी छोटी थी तब से स्पीच देती थी, स्कूल में मेरी पहली स्पीच थी मैं क्या बनूंगी, तो मने सूत हो गए मैं, ऐसा हमारे गुजराती में होता है। ऐसे करते करते मैं कंपटीशन में स्कूल में भी फर्स्ट होती थी, मैं स्टेट चैंपियन हूँ बोलने में, गुजरात महाराष्ट्र की हुई थी वो जमाने में, बॉम्बे आए थे हम और मैं फर्स्ट प्राइज स्कूल को मैंने वो ट्रॉफी दिलाया था, और हम कोरस सॉन्ग गाती थी, फिर मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं वो खो खो होता है ना खो खो, आप लोग पता नहीं गुजराती लोग बहुत खेलते थे, एक बैठी खो जो ऐसे पीछे से उठाते हैं और एक उबली खो, उसकी चैंपियन थी मैं। दूसरा डोज बॉल होता है ना डोज बॉल, एक डोज बॉल वॉलीबॉल और डोज बॉल होता है, डोज बॉल की चैंपियन थी। फिर बैडमिंटन खेलती थी, फिर मैं 100 मीटर रनर, स्लो साइकिलिंग की मैं चैंपियन थी, 100 मीटर रनर, 500 मीटर रनर की लंबी थी ना, तो ऐसे मैं अच्छी स्पोर्ट्समैन थी, इसीलिए मैं अभी स्पोर्ट्स विंग में भी हूँ, वहाँ मुंबई की कोऑर्डिनेटर है और एडमिन विंग के हम कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि हमारा एरिया एडमिनिस्ट्रेटर विंग का है, पॉलिटिशियन विंग में है, ऐसे तो सारी विंग में है, बाबा का सेंटर है। तो ऐसे मतलब मेरा कहने का भाव, मेरा बचपन अच्छा बाबा की वजह से बीता, क्योंकि 6 साल में बाबा मिल गया ना, तो मुझे अभी भी याद है कि दत्तात्रेय को मैंने पापा को बचपन में ऐसे देखा था आरती बारती करके मंदिर उनके साथ जाते, पर वो भगवान है ऐसा कोई अंदर छपा नहीं था, पर समझ आई तो तुरंत किसको देखा, बाबा को, तो भगवान के रूप में बाबा को ही देखा और बाबा के साथ से चलती आई। फिर हमने डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस किया, डिप्लोमा करके फिर वेकॉम डिग्री लिया, डिस्टिंक्शन से पास होकर 6 महीना बैंक में जॉब किया, फिर हम यहाँ बॉम्बे आ गई, 35 वर्ष पूरे हो गए टोटल, ज्ञान में हमको 49 ईयर्स होंगे और सेंटर पर 35 वर्ष होंगे, और आज के दिन मैं आपके सामने हूँ, 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार, हम कोलाबा निवासी ताजगांव निवासी दोनों इकट्ठे बैठे हैं और साल को बाय बाय कर रहे हैं, नए साल का वेलकम कर रहे हैं, कल पहले माफी, फिर कब मिलेंगे, कल के बाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति। आओ भाई लोग परिचय प्रबोध।